एक के अंदर दो चीज देखते हैं, एक बॉडी जो फिजिकली विजिबल, दूसरा है कॉन्शियस, हमको देखने में नहीं आता है। अभी आप सभी ऑक्सीजन को मानते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को देख सकते हैं? नहीं। ऑक्सीजन का बिना जी सकते हैं? सोल को देख नहीं सकते, लेकिन सोल के बिना जी नहीं सकते। अभी आपके ऊपर हवा पड़ रहा है, एयर, आर यू फीलिंग इट? उसको देख सकते हैं बच्चे? नो। सेम थिंग, हमारे अंदर भी एक सोल है, इट इज कॉल्ड पावर ऑफ एक्सपीरियंस। सोल को क्या कहते हैं? पावर ऑफ एक्सपीरियंस, पावर ऑफ एक्सपीरियंस। अभी आप सबको मालूम है ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी 5 एलिमेंट से बना है। कितने एलिमेंट से? आपको मालूम है क्या क्या 5 एलिमेंट्स है? एयर, वाटर, अर्थ, ईथर और फायर, 5 एलिमेंट्स। अगर आपको कोई अगर प्यास लगा, पानी नहीं पिया, तो आपका बॉडी सेटिस्फेक्शन में रहता? कोई आकर के आपका नाक ऐसे पकड़ लिया, आपको ऑक्सीजन जाने नहीं दिया, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? नो। तो बॉडी इज डिमांडिंग व्हाट? एलिमेंट्स। सेम वे हमारे अंदर सोल, कॉन्शियस, इट इज डिमांडिंग फॉर वैल्यूज। इट इज डिमांडिंग फॉर व्हाट? वैल्यूज, नॉलेज, पीस, प्यूरिटी, लव, हैप्पीनेस, प्लेस। आप पूछ सकते हैं अगर मैंने इसको फुलफिल नहीं किया तो क्या होता है? इसको फुलफिल नहीं किया तो क्या होता है? बहुत समय के बाद वो बीमारी के रूप में सामने आता, बीमारी के रूप में सामने। अगर आप रोज अच्छी बातें थोड़ा भी आपका ब्रेन से नरिश नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम्स आता है? माइंड वीक हो जाता है और उसका रिजल्ट में टेंशन, स्ट्रेस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? कई कई बच्चों को स्ट्रेस का मतलब क्या है मालूम नहीं, टेंशन का मतलब क्या वो भी मालूम नहीं। वो आपको एक छोटा सा डेमो से दिखाता हूं। ओके, यू कम, यू हैव पेन, नो यू गिव मी द पेन फॉर सम टाइम। देखो बच्चे, आपका नाम क्या है? समर्थ, वेरी गुड नेम, समर्थ इज नथिंग बट पावरफुल। ओके, अभी एक पेन है ना, एक पेन का वेट हम अप्रोक्सीमेटली एक 5 ग्राम्स लेंगे, अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम्स। अभी मैं क्या करता हूँ, समर्थ को इस पेन को ऐसे होल्ड करने के लिए बोलता हूँ। कैन यू होल्ड समर्थ? या स्ट्रेच। अभी समर्थ को मैं ऐसे ही एक 5 मिनट तक खड़ा रहने के लिए बोला, तो समर्थ को कुछ कुछ होता है? कुछ कुछ होता है? क्या होता है? क्या होता है? इधर तकलीफ, मैंने तो वेट नहीं बढ़ाया, I haven't loaded any weight here, I haven't put any weight on him, फिर भी क्या होता है? तकलीफ होता है। अगर हमने समर्थ को ऐसे ही 3 घंटा पकड़ने को बोला, कुछ कुछ होता है? बहुत काल तक कोई भी चीज को लॉन्ग टाइम होल्ड के रखेंगे तो बहुत पेन होता है। क्या होता है? पेन होता है। ऐसे अभी समर्थ मेरे इंस्ट्रक्शन के लिए वेट कर रहे, सब कब बोलेगा नीचे उतर, कब देगा नीचे उतर, है ना? ऐसे ही अगर हमारा मन है ना बच्चे, हमारे मन में हम अच्छे विचार नहीं डाला तो कौन सा विचार रहता है? पूरा विचार। समझो आपके बेस्ट फ्रेंड एक है, वो आपको कुछ कारण से आपसे झगड़ा कर दिया, आपसे झगड़ा कर दिया। आप स्कूल में है, क्लास में है, पीरियड में है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रहे और आपको टीचर जो बोलता है इंटरेस्ट नहीं है, आप क्या पकड़ के रहते हैं उस समय? फ्रेंड के झगड़े के बाद। तो वैसे ही वो बहुत समय रखेंगे तो आपको अंदर हर्ट होता है, नहीं होता है? होता है, नहीं होता है?
तो जैसे यहाँ लॉन्ग टाइम परसेंटेज से कुछ कुछ होता है, वैसे अंदर माइंड में भी कुछ कुछ होता है, दैट इज नॉट हर्ट, उसको क्या कहते हैं, टेंशन स्ट्रेस। समझ में आ गया अभी सभी को? समझ को ऐसे रखे बोले कि नीचे करे, कितने बोलते हैं नीचे करने के लिए हाथ उठा, कई लोग देखो बोला ही नहीं। करुणा सागर के बच्चे बोलते हैं नीचे रखो, और जो बोलते इसका मतलब क्या है, हमारा मन में भी हम कई बातों को होल्ड करके रखेंगे तो हमारा मेमोरी क्या हो जाएंगे, उसी बातों से फिल हो जाएगा। और टीचर आकर के आप क्या भी बोले तो भी क्या हो जाएगा। एक व्यक्ति ने बोला, अरे यार भगवान ने तू काम क्यों दिया रे? एक ने बोलता है, वेरी सिंपल, एक एंट्री दूसरा एग्जिट। भगवान ने तू काम दो काम क्यों दिया है, एक एंट्री दूसरा ऐसे एंट्री एग्जिट किया तो क्या हो जाता है, जीवन में कुछ भी सीख नहीं सकता है। अगर आपका मन ऐसे टेंशन क्रिएट नहीं करना है तो आपको क्या करना है, माइंड को चार्ज करना है। किससे चार्ज करना है, माइंड को क्या चाहिए, अच्छे नॉलेज।